हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। और आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये आपका बायो का लेसन 4 है जिसको हम पूरे डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं और डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन लेसन 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है और वो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसके लिए हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट देंगे, डिटेल्स के साथ समझाएंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को, और ये भी बताएंगे कि कौन सा सवाल कब पूछा गया है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो ये सभी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है कि खास करके जो बच्चे बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड और एमपी, ठीक है, इन सभी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, वो लोग कंटिन्यू अपना जो है इस फोकस इस पे बना के रखेंगे। बाकी अदरवाइज जितने भी बोर्ड हैं जैसे झारखंड और भी बहुत सारे बोर्ड हैं, ठीक है, वो लोग उस बोर्ड के भी बच्चे भी हमारे साथ, यूके बोर्ड वगैरह भी, सभी लोग एकदम बिल्कुल यहाँ से ड्रीम क्लासेस को ज्वाइन करके रखेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए, ठीक है। तो 4 लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी ऑब्वियसली 3 लेसन हमने पढ़ा दिया होगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नहीं तो फिर ड्रीम क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे होगा। आप चाहते हो कि ये जो आपको इस तरह से दिख रहा है, ये एक पीडीएफ का प्रारूप है, ठीक है। तो अगर आप पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो ड्रीम क्लासेस पे, ठीक है। मैंने पीडीएफ से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है जिसको आप पूरा देख लीजिए। चलिए टॉपिक पे शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपका जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उसमें जो पहला सवाल है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि MTP, जिसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, विधि क्या है, ठीक है। MTP प्रोसेस क्या है, MTP विधि क्या है, ये आपको 2013 में पूछा गया सवाल है बोर्ड के एग्ज़ाम में क्लास 12th में। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं MTP पे। कहा गया है MTP विधियों को सुधारक विधियाँ भी कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा जो सुधारक विधि इसे कहा जाता है, इन्हें तब इस्तेमाल किया जाता है जब गर्भ ठहर जाए, और गर्भपात तथा चूषण ऐसी दो सुधारक विधियाँ हैं जिनके द्वारा गर्भ को यांत्रिक विधि द्वारा अथवा हार्मोन के उपयोग से समाप्त किया जा सकता है। जैसे गर्भ ठहर जाना मतलब बच्चा जो है वो बिल्कुल, ठीक है, इस तरह का प्रोसेस हो तो आप जो है इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट नॉर्मली आप समझ सकते हो कि मेरा कहने का क्या मतलब है। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर बोर्ड में पूछा जाए तो ये 2 नंबर के पूछेंगे। वंदेता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, हालांकि मैंने छोटा लिखा है, और भी लंबा चलना चाहिए था, कोई नहीं। किसी व्यक्ति की वह अवस्था जो इसे प्राकृतिक रूप से जनन करने से रोकता है, वंदेता कहलाता है, बंधन, ठीक है। किसी व्यक्ति की वह अवस्था जो इसे प्राकृतिक रूप से जनन करने से रोकता है, जब प्रेगनेंसी की स्थिति रहती है तो वो जनन की क्रिया जो है वो नगण्य मानी जाती है, बिल्कुल कम जाती है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन को वंदेता कहते हैं। ये 2016 में पूछा गया सवाल है, क्लियर हो आप लोग? ओके, कराए तीसरा नंबर सवाल जो इम्पोर्टेंट है कि किसी 4 यौन संचारित रोग के नाम लिखे, उनके कारक रोगाणुओं के साथ लिखे, ठीक है। आपको 4 यौन संचारित रोग का जो है वो नाम लिखना है, 2017 में पूछा गया सवाल है। यौन संचारित सबसे पहले आपको एड्स हो सकता है, जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, ये एक तरह का, ठीक है। हर्पिश, सिफिलिस और गोनोरिया, ठीक है। इस तरह का ये जो है, ये चारों जो है वो वायरस है, ठीक है, जिसके कारण आपको काफ़ी सारे रोग जो हैं वो उसका सामना करना पड़ सकता है। तो सावधान रहिएगा इन सभी चारों यौन संचारित रोगों से, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक माना गया है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत हाई लेवल का। अगला सवाल है दोस्तों कि रक्त के कार्य को बताएं, ये आपको 2017 में पूछा गया सवाल है। कह रहे हैं रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसका पीएच मान 7.4 और अम्लीय होता जब 7 से कम होता, और क्षारीय है क्योंकि इसका जो पीएच मान है वो 7.4 है, और उदासीन होता जब ये रक्त जो है वो 7 होता। एक वयस्क मानव में औसतन 5 से 6 लीटर का रक्त होता है, ठीक है। अब हमें इसके कार्यों के बारे में जानना है। तो रक्त के क्या क्या कार्य हैं, कि यह शरीर का तापमान जो है बनाए रखता है, टेम्परेचर जो है आपको पता है कि 98.6 या 37 इस तरह से जो होता है केल्विन और डिग्री सेल्सियस में, तो उसको जो है वो कंटिन्यू मेंटेनेंस करके रखता है रक्त। रक्त में पाए जाने वाले RBC राय, ठीक है, लाल रक्त कणिका में O2 ऑक्सीजन तथा CO2
कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण करने का कार्य करता है। रक्त जो है वो जो आपका आरबीसी होता है ना, लाल रक्त कणिकाओं में, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्थानांतरण करने का कार्य करता है, बदलने का कार्य करता है। ओके, और तीसरा है कि रक्त में पाए जाने वाला डब्ल्यूबीसी, ठीक है, श्वेत रक्त कणिका इसको कहा जाता है, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य है कि शरीर के संक्रमण को रोगों से, सीधे सीधे कहिए शरीर को जो है रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, ये डब्ल्यूबीसी का काम है। सवाल नंबर पाँचवा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं इसको समझाना चाहूँगा और उम्मीद है कि आप बिल्कुल पूरा फोकस करिएगा। जनसंख्या विस्फोट का मतलब हुआ जनसंख्या में अचानक वृद्धि या निरंतर वृद्धि, लगातार वृद्धि। जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से रीज़न हैं आप खुद ही समझ सकते हो कि किसी भी देश की जनसंख्या, जैसे हम लोग इंडिया में निवास करते हैं, तो भारत की जनसंख्या दिन ब दिन क्यों बढ़ रही है, इसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। पहला, मृत्यु दर तीव्रता गिरावट, यानी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, इस कारण से मृत्यु दर में है वो गिरावट हो गया, तथा मात्र मृत्यु दर एवं शिशु दर में कमी, ठीक है। शिशु बच्चे जो हैं वो पहले क्या होते थे, जब पैदा होते थे तो 60-70% बच्चे मर जाते थे, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ इंडिया में कम थी, लेकिन अब बिल्कुल बढ़ गई है, तो इस चीज़ में वृद्धि कमी देखने को मिल रहा है। सेकेंड है कि जनन से लोगों की संख्या में वृद्धि का होना, जब जनन होगा, समझ रहे हो आप बात को, जनन होगा, और जनन तभी संभव है ना जब लोग अशिक्षित रहेंगे, जब ज़्यादा जनन होगा परिवार बड़ा रहेगा, परिवार बड़ा रहेगा तो पूरे देश की जनसंख्या बढ़ेगी, और जनसंख्या बढ़ेगी तो आपने एक को पढ़ा है कि प्रति व्यक्ति आय, कुल आय उसमें कमी हो जाती है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये सब में कमी, तो जनन से लोगों की संख्या में वृद्धि। और महिलाओं का अशिक्षित होना भी जनसंख्या में वृद्धि का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आप अशिक्षित हैं तो आपका माइंड कहीं और काम करेगा, अगर आप एक शिक्षित और समझदार परिवार हैं से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है कहीं और सोच रहेगा, यानी महिलाओं की अशिक्षित होना। और अगला बार है सॉरी अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार, जो मैं अभी बता रहा था कि अगर स्वास्थ्य सेवा अगर आपको अच्छा प्रोवाइड होगा तो जीवन स्तर जो है वो अपने आप सुधर जाएगा। तो ये काफ़ी सारे कंडीशन हैं कि जीवन जो है सॉरी क्या मैं बोल रहा था जनसंख्या विस्फोट के। फिर है कि परिवार नियोजन तरीकों को पूरी तरह से ना अपनाया जाना। परिवार नियोजन इंडिया में सबसे पहले 1952 में लाया गया था, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता था कि आप अपने परिवार को छोटा रखें, ठीक है, जिसके अंतर्गत एक नारा भी दिया गया था कि हम दो हमारे एक, नारा नहीं मतलब एक वर्ड कहा गया था, एक पंक्ति कही गई थी कि हम दो और हमारे एक। हालांकि इस चीज़ का लोग फॉलो नहीं करते हैं, कभी कभार हम दो हमारे चार भी हो जाते हैं। ओके, तो ये सारे रीजंस हैं जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट का। छठा सवाल कि जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है, तो कहा गया है कि मनुष्यों द्वारा विविध कारणों से अधिक संतानें पैदा की जा रही है, जिसके कारण जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो रही है, आपको पता है, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि से अनेक समस्याएं खड़ी हो गई हैं, जैसे भोजन, सिंपल सी बात है, जैसे अगर एक छोटा परिवार रहे तो वो अच्छे से अपना भरण पोषण करेगा, 5-6 बच्चे रहें तो फिर वो आप समझ सकते हो, आश्रय यानी भोजन, कपड़ा और मकान, तीन चीज़ों की समस्या जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण, इन तीन चीज़ों की समस्या, और भी बहुत सारी समस्याएं, लेकिन नॉर्मली अगर माना जाए तो ये तीन समस्या जो है सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या के वृद्धि होने का। तो उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगले सेशन में हम आपको लेसन 4 पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है, तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और आपको ड्रीम क्लासेस पे कंटिन्यू बने हुए रहना है, ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम बेटर हो सके और एक अच्छे मार्क्स को आप गेन कर सकते हैं, वो भी घर बैठे, इसकी मैं पूरी पूरी गारंटी देता हूँ कि आप घर बैठे एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।